नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना के चैनल लीना कल्चर में स्वागत करती हूं। तो आज 31 अक्टूबर दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त। तो आज हम जानेंगे वीडियो में कि दिवाली पूजन का सबसे ज़्यादा खास मुहूर्त कब से कब तक है। तो दिवाली आज 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त दिवाली आज है और मिलेगा इतने घंटे का पूजन मुहूर्त। जानेंगे पूजा की विधि। दिवाली का त्यौहार हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। इस बार दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा और दिवाली की अमावस्या तिथि कल 3:52 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर होगा। तो दीपों का त्यौहार दिवाली 31 अक्टूबर यानी आज मनाया जाएगा। कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना करने से घर में धन दौलत की बरसात होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने इस खुशी में दीप प्रज्वलित किए थे। कहते हैं कि तभी से दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर यानी आज 3:52 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर होगा। तो अब हम जान लेंगे दिवाली लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त 2024 में क्या है। दिवाली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, इसीलिए इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 31 अक्टूबर को शाम को 5:36 से रात को 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लगन का समय है 6:25 से लेकर रात को 8:15 पर रहेगा। और पूजा का दूसरा मुहूर्त है वो महानिषेध काल का पूजन मुहूर्त है। 31 अक्टूबर की रात 11:39 से लेकर देर रात 12:30 तक रहेगा। दिवाली का शुभ योग। दिवाली इस बार बहुत ही खास मनाई जा रही है क्योंकि 40 साल इस दिन शुक्र गुरु की युति से सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शनि अपनी ही स्वयं राशि कुंभ में विराजमान रहकर शश राजयोग का निर्माण कर रही है। तो पूजन विधि जान लेते हैं। तो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और इस दिन शाम को पूजन के लिए एक चौकी तैयार करें और उसके बाद चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। प्रतिमाएँ तैयार करने के बाद उनके आगे एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का संकल्प लें। उसके बाद मूर्तियों के आगे जल भरा एक कलश रखें। फिर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश को फल फूल मिठाई कलावा रोली आदि चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें। दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें और अगले दिन सुबह सारे सिक्के को किसी निर्धन को दान कर दें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। रीना के चैनल कल्चर पर मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।